हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कुछ क्लॉथिंग आइटम का रिव्यू, जो कि है फ्लिपकार्ट की तरफ से। तो आप देख सकते हैं ये पूरा पैकेट मेरा। इस टाइम पे फ्लिपकार्ट पे रिसेंटली सेल चल रही थी और अभी भी चल ही रही है, तो आप वहाँ से जाके शॉपिंग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे डिस्काउंट्स मिलते हैं आपको सेल में। तो इससे पहले भी मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस अपलोड करे हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। गाइस, मैंने प्रोडक्ट्स खरीदे हैं, तो आप भी ज़रूर जाके इन्हें बाय करें और मेरी वीडियोस ज़रूर देखें। और उससे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन है उसे प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके मैं इसके रिव्यू शेयर करती हूँ, जो कि मुझे बहुत ही अच्छे लगे कुछ क्लॉथिंग आइटम्स जो कि फ्लिपकार्ट से मैंने मंगवाए हैं और मुझे ये बहुत ही कम प्राइस में मिले हैं। मैं आपको एक एक करके दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या मंगवाया है। तो फर्स्ट है मेरा ये आइटम, जो कि है एक जंप सूट। मैं साइड में इसकी रियल इमेज लगा दूँगी, जो कि प्रोडक्ट के होम पेज पे है वो मैं लगा दूँगी। तो इस तरह से ये है जंप सूट और ये लाइनिंग पैटर्न पे है, जो आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग है, आपको पता ही है। तो ये रेड एंड वाइट इन कलर में है, सेम एज़ जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इस तरह से इतना चौड़ा इसका पजामा है और इसका जो फैब्रिक है वो पॉलिस्टर मटेरियल है। तो इस तरह से है, ये देखिए, ये पॉलिस्टर मटेरियल का कपड़ा है, तो ये गर्मियों के लिए सही रहेगा। इवन सर्दियों में भी आपको ये ठीक रहेगा, बिकॉज पॉलिस्टर तो सारे ही सीज़न में चल जाता है। तो इस तरह से इसकी ये लेंथ है, मैं आपको दिखा रही हूँ। और साइजेस इसमें वहाँ पे बहुत सारे अवेलेबल हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग साइज़ चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे ये इलास्टिक दी हुई है, ये देखिए स्ट्रेचेबल है ये देख। और यहाँ से ये टॉप अटैच्ड हो जाता है इलास्टिक के ऊपर से। तो यहाँ पे आपको एक जिप दी हुई है, ये देखिए फ्रंट पे आपको जिप है, कॉलर वाला नेक है इसका, कॉलर नेक है। साइज है मेरा XL, बट ये मुझे फिट नहीं हुआ है। आप एक साइज बड़ा मंगवाएंगे तो शायद आपको फिट हो जाए इजीली। तो XL साइज मुझे फिट नहीं हुआ है, तो मैं इसका एक साइज बड़ा ऑर्डर करूंगी या फिर इसे रिटर्न कर दूंगी। और क्वार्टर स्लीव्स हैं इसकी, ये देखिए क्वार्टर स्लीव्स हैं। तो ये है मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको कोई भी सामान पसंद आता है या फिर आप कोई भी प्रोडक्ट लेने में इंटरेस्टेड हो, तो आप ज़रूर ले सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लिया करिए। तो चलिए देख लेते हैं अपना नेक्स्ट आइटम, जो कि है एक मैक्सी ड्रेस। ये काफ़ी ब्यूटीफुल प्रिंट की है गाइज, आप देख सकते हैं। मैं इसका जो रियल पिक है वो भी मैं साइड में लगा दूंगी, तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता हो जाएगा कि ये किस टाइप की है। काफ़ी अच्छा सा इसमें घेरा है और इसमें बहुत सारे साइज़ अवेलेबल हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, XL, XXL, XXXL भी इसमें आता है। तो आप अगर बड़े साइज़ के भी हैं, बड़ा साइज़ भी अगर आपको फिट होता है तो कोई इशू नहीं है, आप ज़रूर बाय कर सकते हैं। इसका जो कलर है वो बहुत ही प्यारा लगा मुझे, ये स्काई ब्लू टाइप का ग्रे कलर है। आई मीन टू से दैट ग्रे भी है और स्काई ब्लू भी है, थोड़ा गंदा वाला, डल वाला स्काई ब्लू है। आई होप कि आप समझ ही गए होंगे, अदरवाइज मैं पिक लगा दूंगी, आप डायरेक्टली फ्लिपकार्ट पे जाकर देख लीजिएगा। तो इस तरह से मैक्सी ड्रेस है और इस तरह से ये स्लीवलेस आता है, यहाँ पे स्लीवलेस है। और मेरा जो साइज़ है वो मैं आपको दिखा दूँ, ये मैंने अपनी मम्मा के लिए ऑर्डर करा है, तो मैंने इसको XXL मंगाया है, तो वो ये उनको बहुत ही ईजिली फिट हो गया। और ऊपर से जो नेक है वो झालर पैटर्न का है, जो आजकल चल रहे हैं। तो अगर आप स्लीवलेस नहीं भी पहनते हैं तो कोई इशू नहीं है, ये आपका जो झालर है उससे ढक जाएगा। तो इस तरह से इसका नेक है। तो ये है मेरा सेकेंड क्लोथिंग आइटम। तो चलिए देख लेते हैं अपना थर्ड, और अगेन वो भी पॉलिस्टर ही मटेरियल का है। पॉलिस्टर मटेरियल ऐसा होता है गाइस कि वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है, चाहे वो कुछ भी हो, उस पर प्रेस भी इतनी जल्दी, आयरन भी नहीं करनी होती है आपको,
और वो ईज़िली वॉश भी हो जाता है, उसका कलर भी नहीं जाता है, एम्ब्रॉयड्री अगर है वो भी नहीं जाएगी, प्रिंट नहीं जाता है। तो थर्ड आइटम है मेरा ये, जो अगेन पॉलिएस्टर मटेरियल का है, और ये है कुर्ती, एक लॉन्ग कुर्ती है ये, और ये है वामसी की तरफ से, वामसी की तरफ से है, बहुत ही वेल नोन ब्रांड की तरफ से है, और आप देख सकते हैं 999 इसका प्राइस है, 999। और मेरा जो साइज़ है वो है 4XL। तो इसमें भी बहुत सारे साइजेस अवेलेबल हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, XL, डबल XL, ट्रिपल XL, 4XL इवन। तो ये येलो एंड ब्लैक इन कलर में है, पीछे इसकी पूरी डिटेलिंग दी हुई है, ब्रांड है अहिका, ब्रांड का नाम है अहिका। तो ये अहिका की बहुत सारी कुर्तीज़ अवेलेबल हैं फ्लिपकार्ट पे भी, अमेज़ॉन पे भी, तो आप ज़रूर देख सकते हैं। ये है इसका नेक जो कि इस तरह से ये यहाँ पे पलटा हुआ है, और फ्रंट से इस तरह का है, मैं आपको दिखा देती हूँ। बैक पूरा प्लेन है इसका, पूरा बैक ब्लैक कलर में है, और फ्रंट से ये इस तरह का है, जो प्रिंट है वो राउंड नेक है, और इस तरह का ये आपको प्रिंट मिल जाता है, साइड्स में ब्लैक कलर है, और बीच में इस तरह का ये प्रिंट है। तो ये मस्टर्ड येलो इन कलर में है, बहुत ही अच्छी लगी ये कुर्ती मुझे। अगर आप ऑफिस वेयर, अगर आप ऑफिस गोइंग गर्ल हैं या कॉलेज गोइंग गर्ल हैं, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अगर आप जैसे इंडियन ज़्यादा पसंद करती हैं, तो आपको ये बहुत ही पसंद आने वाला है, ट्रस्ट मी गाइज। ये कुर्ती मुझे बहुत अच्छी लगी, और जो इसके प्राइस हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगे। तो प्राइस के अकॉर्डिंग क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हुआ है। तो ये था मेरा थर्ड आइटम, तो ये भी मैंने अपनी मम्मा के लिए ऑर्डर किया था, तो ये कुर्ती बहुत ही अच्छी लगी मुझे, आप इसे ज़रूर बाय कर सकते हैं। तो चलिए देख लेती हैं अपना लास्ट प्रोडक्ट, जो कि है अगेन एक जंप सूट, जो कि मुझे इतना ख़ास नहीं लगा टू बी ऑनेस्ट। ये है अक्स की तरफ से, अक्स क्लोदिंग, और इसका आपने बहुत कुछ देखा होगा फ्लिपकार्ट पे, अमेज़ॉन पे इसकी कुर्ती भी आती हैं, ऑलमोस्ट सारी ही चीज़ें आपको इंडियन वेयर में, एथनिक वेयर में आती हैं अक्स की, इवन मिंत्रा पे भी अक्स ब्रांड बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो ये है 1499, 1499 रुपये का जंप सूट, एंड मेरा साइज़ है डबल XL। तो बैक पे इसकी सारी प्रोडक्ट की डिटेलिंग दी हुई है, और जो कलर है मेरा वो है येलो क्रीम, सॉरी क्रीम एंड ऑरेंज कलर है मेरा। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, इसका MRP जो है वो है 1499, बट मुझे ये बहुत ही कम प्राइस में मिला है। तो इसका ये टॉप है, आप देख सकते हैं स्टोन कॉलर टाइप में, ये देखिए ये है इसका टॉप, इस तरह से स्टोन कॉलर है, और जो कि मेरा साइज़ है डबल XL, यहाँ पे अक्स लिखा हुआ है। यहाँ फ्रंट से आपको बटन्स मिल रहे हैं, आप देख सकते हैं ये फ्रंट से आपको बटन मिल रहे हैं, जो कि सारे ओपन हो जाते हैं, और यहाँ तक के आपको ये बटन्स मिल रहे हैं। स्लीव्स हैं आपकी हाफ स्लीव्स हैं, हाफ से भी कम हैं, बस जस्ट इसमें स्लीवलेस नहीं दिया हुआ है, इतनी छोटी सी स्लीव्स लगा दी है। तो ये मेरी मम्मा को ईज़िली आ गया था, और नीचे से इसका ट्राउज़र डिफरेंट प्रिंट का है, यहाँ पे आपको क्रीम एंड ऑरेंज फ्लावर का प्रिंट मिल रहा है, क्रीम बेस है, ऑरेंज फ्लावर्स है, और नीचे से इसका प्रिंट चेंज हो जाता है, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स बने हैं इस पर, और इस तरह का कुछ प्रिंट है। तो मुझे एक चीज़ ये इनकी नहीं अच्छी लगी, ये कॉटन मटेरियल है, बहुत ही सॉफ्ट एंड कॉटन मटेरियल है, कपड़ा बहुत अच्छा है, कलर बहुत अच्छा है, कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा है, बस मुझे ये नहीं अच्छा लगा कि ये चीज़ आप देख रहे हैं, ये चीज़ में बहुत लंबा गैप है, तो जब आप इसे पहनेंगे तो ये आपको बिल्कुल भी अच्छा लुक नहीं दे रहा है, बिल्कुल भी, ये बहुत ही ख़राब लग रहा है जब आप इसे पहनेंगे। तो मैं आपको एडवाइस दूंगी कि आप ये बाय ना करें, मैं भी इसको रिटर्न करने वाली हूँ, बट मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ अगर आप लेने वाले हों इसको। तो ये देखिए इतना चौड़ा इसका पजामा है, ये प्लाज़ो टाइप का इसका पजामा है, और जो मैं इसका जो पिक है वो भी मैं साइड में लगा दूंगी, और इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, तो आप ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। सो ये था मेरा आज का क्लोदिंग आइटम का रिव्यू, अगर आपको पसंद आया हो तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट करें, थैंक यू।